जय माता दी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म भक्ति। दोस्तों आज के इस विशेषांक में हम जानने वाले हैं होलिका दहन के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों हम जानेंगे कि ये लोग जो है भूल कर भी न देखे होलिका दहन, तो किन लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए वरना हो सकता है नुकसान, ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों हम इन लोगों को भूल कर भी होलिका दहन जो है नहीं देखना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, होली का जो पर्व है वो फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। होली के ठीक एक दिन पहले जो है होलिका दहन होता है मित्रों, और इस साल होली का ये पावन पर्व 17 और 18 मार्च को है। भारत में दोस्तों फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन यानी चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को रंग वाले दिन होली खेली जाती है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में आहुति देने से जीवन की नेगेटिविटी समाप्त होती है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। हालांकि होलिका दहन की पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है दोस्तों कि होलिका दहन के समय कुछ लोगों को इसकी अग्नि नहीं देखनी चाहिए। तो किन लोगों को इसकी अग्नि नहीं देखना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों नव विवाहित स्त्रियां जो नई नई जिनकी शादी हो उनको जलती हुई होलिका भूलकर भी नहीं देखनी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। नवविवाहित स्त्रियों को जलती हुई होलिका की अग्नि न देखने के पीछे कारण यह है दोस्तों कि होलिका दहन में आप पुराने साल को जलाते हैं, इसके अगले दिन से नए साल की शुरुआत हो जाती है। होलिका की अग्नि को जलाते हुए शरीर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवविवाहित स्त्रियों को होलिका की जलती हुई अग्नि को देखने से बचना चाहिए। दोस्तों होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है इस बार 17 मार्च 2022 को रात 9:20 में शुरू होगा, रात 10:21 पे समाप्त हो जाएगा। पूजा विधि, कई जगह होलिका दहन से पहले पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रह्लाद की प्रतिमा बनाई जाती है, और पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख ले। इसके बाद पूजा करें और अपने सभी कष्टों को होलिका की अग्नि में जलाकर भस्म हो जाने की कामना करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना होलिका दहन की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त, क्यों नहीं देखा जाता है होलिका दहन। तो उम्मीद है दोस्तों आज की ये जानकारी आपको पसंद आई, तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।